नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लान टेम्पोरलॉजी इज मेल गमिटोफाइट और माइक्रोस्पोरोगियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनासिस यानी जो मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट होती है मेल गैमिट की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन कैसी होती है या फिर माइक्रोस या फिर माइक्रोस्पोरोजेनासिस यानी जो माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमिट है उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है द स्टैमन इन ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दी नैरो स्टाक लाइक फिलामेंट एंड अपर ब्रॉडर लाइक एंथर यानी जो मेल गैमिट होता है जनरली वो किसके अंदर फॉर्मेशन होती है उसकी स्टेमन के अंदर क्या होती है फॉर्मेशन होती है वो स्टेमन जो होता है किसी भी फ्लावर के अंदर वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है जो नैरो स्टाक लाइक पोर्सन होता है हम उसे क्या बोलते हैं स्टेमन का फिलामेंट बोलते हैं एंड जो अपर पोर्सन होता है जो कि ब्रॉडर होता है एंड नोब लाइक होता है उसे जनरली क्या बोलते हैं एंथर स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर स्टेमन जनली क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है द स्टेराइल मीडियम पार्ट ऑफ द एंथर इज कॉल्ड कनेक्टिव यानी जो मीडियम पार्ट होता है एंथर का जनरली क्या होता है जो कि स्टेराइल होता है उसे क्या बोलते हैं कनेक्टिव ए नॉर्मल बाई थीक्स एंथर इज मेड अप ऑफ टू लोब्स एक नॉर्मल बाई थीक्स एंथर जो हो वो टू लोब से मिलकर बना होता है ईच लोब ऑफ द एंथर कंटेन्स टू पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया एक जो लोब होता है एंथर जो है वो दो लोब से मिलकर बना होता है बाई थीक्स जो एंथर होता है उसके अंदर टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ईच लोब में क्या होता है जो एंथर होता है उसके अंदर टू पोलन सेक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया मीन्स इसके अंदर माइक्रोस्पोर या फिर क्या होता है मेलगामिट की फॉर्मेशन होती है दस देयर आर फोर चैम्बर्स इन ईच एंथर यानी एक बाई एंथर जो हो उसके अंदर टोटल दो लोब होते हैं और ईच लोब में क्या होते हैं टू पोलन सैक होते हैं यानी टोटल एक बाई एंथर के अंदर फोर क्या होते हैं चैम्बर या फिर पोलन सेक्स होते हैं इन मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी लाइक हिबिस्कस एल्थियारोजिया एंथर्स इज मेड ओनली वन लोब यानी कुछ फैमिली ऐसी होती है जैसे कि मालवेसी फैमिली है मालवेसी फैमिली में जनरली जो एंथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं मोनोथिकस यानी एक सिंगल लोब प्रेजेंट है और सिंगल लोब के अंदर क्या होता है जनरली टू पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंथर के अंदर जनरली क्या होता है मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन या फिर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है जो एंथर होता है उसकी डिवेलपमेंट यानी एंथर की फॉर्मेशन कैसे होती है ईथ स्टेमन अराइजेज एज ए स्मॉल पैपुलेट आउट ग्रोथ ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम यानी एंथर किसका पार्ट होता है स्टेमन का और स्टेमन कैसे ग्रो करता है स्टेमन की फॉर्मेशन कैसे होती है एज ए स्मॉल पेपुलेट आउट ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिशू यानी फ्लोरल प्राइमोर्डियम शू टैपिकल मैरिस्टेम पे टू टाइप की जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है एक वो जो कि फ्लोरल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेगा और सेकेंड क्या होता है जो शूट की यानी स्टेम कैंड लीव की फॉर्मेशन करता है तो जो फ्लोरल प्राइमोडियम होता है उसकी ग्रोइंग टिप के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जनरली वो एक पेप्यट आउटग्रोथ के रूप फॉर्म में क्या होता है राइज होता है और उस पेपुलेट आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं स्टेमन इट ग्रोज फास्ट एंड गेट डिफ्रंशिएटेड इन अपर नोब लाइक पार्ट एंथर एंड लोअर पार्ट फिलामेंट ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये फास्टली ग्रो करता है और इट गेट डिफ्रंशिएटेड और ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है इन द अपर नोब लाइक पार्ट जो अपर पार्ट होता है नोब्लाइक जिसे हम जनली क्या बोलते हैं एंथर एंड लोअर पार्ट फिलामेंट यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू टाइप के पार्ट्स में डिफ्रशियट हो जाता है एंथर एंड फिलामेंट में द यंग एंथर रिप्रेजेंट्स ए एमोजीनस मास ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय एपिडर्मिस जो यंग एंथर होता है वो एक होमोजिनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स को सराउंड करता है बाय द एपिडर्मिस यानी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनके जनली आउटसाइड जनली क्या प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस और इस यंग एंथर uh, के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि क्या कर सकती हैं कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकती हैं सोन द ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स इन द फोर कॉर्नर्स अपीयर विच आर डिस्टिंगस्ड फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स बाय देयर लार्ज साइज डेंस हाइटोप्लाजम एंड कॉन्सपिक्यूस न्यूक्लियाई यानी एंथर के अंदर जनरली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है उनमें से कुछ जो सेल्स होती है कॉर्नर की सेल्स होती है फोर कॉर्नर्स पे हाइपोडर्मल सेल्स अपीयर होती हैं और ये हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है वो इजीली इनकी सराउंडिंग सेल्स इनको क्या किया जा सकता है इजीली डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशियट किया जा सकता है बाय देर लार्ज साइज क्योंकि ये जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं जनरली लार्ज साइज की होती है इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड कॉन्सपिक्यूस न्यूक्लिया होती है दिस इज द डायग्राम ऑफ ए स्टेमन दिस इज वेंट्रल व्यू यानी एक जो बाई थी का होता है उसके अंदर जनरली कितने लोब प्रेजेंट होते हैं टू लोब यानी एक सिंगल एक लोब ये है और एक लोब ये है ये जो टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ईच लोब के अंदर क्या होता है टू सेक्स प्रेजेंट होते हैं यानी ये एक क्या है लोब है और ये क्या है सेकेंड लोब है तो एक लोब में कितने प्रेजेंट होते हैं पोलन सेक एक पोलन पोलनसैक ये है और सेकेंड पोलन सेक ये है सिमिलरली जो सेकेंड लोब है उसके अंदर एक पोलन सेक ये है और एक पोलन सेक ये है यानी एक बाई थी सेंथर के अंदर टोटल फोर पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है डोर्सल व्यू ऑफ दी स्टेमन स्टेमन के डोर्सल व्यू हम देखते हैं तो इस पर क्या प्रेजेंट होता है जनरली जो लोब्ड पोर्सन होता है नोब लाइक उसे क्या बोलते हैं जनरली हम एंथर एंड जो लोअर फिलामेंट पोर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं स्टाक लाइक जो पोर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं फिलाेंट एंड ये जो फिलाेंट है वो एंथर पे कनेक्टिव के हल्प से क्या होता है अटैच होता है एंथर के कॉर्नर्स पे जो हाइपोटर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है वो एक प्लेट लाइक वर्टिकल रोज में प्रेजेंट होती है एंड दे फॉर्म आर्की स्पोरियम यानी जो हाइपोडर्मल सेल्स थी वो जनरली लार्ज साइज की थी डाइन साइटोप्लाजम है एंड कॉन्सपिक न्यूक्लियाई होते हैं और ये जो सेल्स है वो एक प्लेट लाइक वर्टिकल रोज में की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये किसकी फॉर्मेशन करती है आर्किस्पोरियम में आर्किस्पोरियम सेल्स एंडर को दैरिक्लाइनल डिविजन्स दस कटिंग ऑफ ए लेर ऑफ द पेराइटल सेल्स टूवर्ट दैरिफरी एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स टूअर्ड देंटर ये जो आर्किस्पोरियम की फॉर्मेशन करती है इस आर्किस्पोरियम के अंदर जो सेल्स होते हैं जनल उन्हें क्या बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स और ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करेंगे फिर पेरिक्लाइनल यानी पेरीफरी के अलोंग डिविजन शो करेंगी टू लेयर ऑफ द सेल्स की फॉर्मेशन करेगी एक कौन सी होती है पेराइटल सेल्स जो कि किसकी तरफ प्रेजेंट होती है एज इट्स नेम इंडिकेट्स पेरीफरी की तरफ प्रेजेंट होती है और दूसरी कौन सी होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स किसकी तरफ प्रेजेंट होती है सेंटर की तरफ प्रेजेंट होती है द पेराइटल सेल फॉर्म द प्राइमरी पेराइटल लेयर Which to form three जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो प्राइमरी पैराइटल लेयर की फॉर्मेशन करती है और ये जो प्राइमरी पैराइटल लेयर है ये फिर क्या करेगी फर्दर डिवाइड करेगी और डिवाइड करके फिर थ्री पैराइटल लेयर की फॉर्मेशन करेगी ये जो थ्री पैराइटल लेयर्स है इसमें से जो अपर पैराइटल लेयर होती है वो किसकी फॉर्मेशन करती है एंडोथीशियम और फाइब्रस लेर की यानी आउट ऑफ द्री पैराइटल लेयर

फॉलोड बाई दी मिडल लेयर्स यानी ये जो एंडोथीशियम या फाइब्रस लेयर है इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है टेप्टम और इनकी फॉर्मेशन कौन करता है जो पैराइटल लेयर्स थी पैराइटल लेयर्स कहाँ से बनी जो आर्किस्पोरियल सेल थी उसकी पैरिक्लाइनल डिविजन से जो पैराइटल सेल्स थी उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की है जो डिफरेंट लेयर्स हैं एंथर की वॉल की यानी फाइब्रस लेयर है या मिडिल लेयर है या फिर टेप्टम है वन ऑफ थ्री लेयर्स लाइंग नेक्स्ट टू एंडोथीशियम फॉर्म द मिडल लेयर्स यानी एंडोथीशियम के साथ जो थ्री वन टू थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंडोथीशियम के नेक्स्ट जो लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या होती हैं मिडल लेयर्स होती हैं जनरली दर्किस्पोरियम कंसिस्ट ऑफ टू टू थ्री सेल्स वाइड प्लेट रनिंग अलॉन्ग दी एंटायर लेंथ ऑफ द लोब जनरली क्या होता है जो आर्किस्पोरियम होता है वो टू टू थ्री सेल्स वाइड प्लेट से मिलकर बना होता है जो कि जो लोब होता है उसकी एंटायर लेंथ के साथ क्या करती है पैरलली ग्रो करती हैं द एक्सटेंट ऑफ आर्किस्पोरियम वेरीज बोथ लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज जो आर्किस्पोरियम के एक्सटेंट होता है वो वेरी करता है यानी लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज क्या करता है वेरी करती है देर इज ओनली वन आर्किस्पोरियल सेल्स इन दी बोहैविया एंड डायोनिया यानी एक सिंगल आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है बोरैविया एंड डायोनिया के अंदर दी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डायरेक्टली एक्टाइज एम माइक्रोस्पोर मदर सेल

फंक्शन करेगी या फिर क्या करेगी सेवरल ये अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन शो करेगी और फिर माइटोटिक डिवीजन शो करने के बाद यह है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल फंक्शन करेगी दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर एक जो एंथर हो एंथर जो होता है वो बाई जनरली बाईथिकस होता है बाइथिकस मीन्स टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या है एक लोब है और ऊपर वाला जो क्या है वो सेकेंड लोब है और ये जो लोब्स होते हैं इनके अंदर टू पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं टू पोलन सेक्ट प्रेजेंट होते यानी टोटल कितने हो गए फोर पोलन एक एक ये ये टोटल क्या है फोर पोलन सेक्स प्रेजेंट होते ईच एंथर के अंदर जो एंथर है उसके अंदर जो पैराइटल लेयर्स की फॉर्मेशन थी जनरली वो किसके द्वारा की गई थी पेराइटल सेल्स के द्वारा पैराइटल सेल्स की जो इनर लेयर थी उन्होंने क्या किसकी फॉर्मेशन की थी टेप्टम की और ये जो है वो क्या है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है एंथर के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है एंड ये क्या है पोलन सेक पोलन सेक के अंदर क्या था स्पोरोजिनस टिश्यू यानी हाइपोडर्मल सेल्स ने किसकी फॉर्मेशन की थी कॉर्नर पे ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है इन्होंने किसकी फॉर्मेशन की ही आर्किस्पोरियल सेल्स की और आर्कि आर्किस्पोरियल सेल्स ने क्या किया था टू टाइप की सेल की फॉर्मेशन की थी पेराइटल एंड स्पोरोजिनस जो स्पोरोजिनस सेल्स है वो किसकी तरह फंक्शन करेगी एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड जो अदर्स सेल्स uh, थी पेराइटल सेल्स वो क्या करेगी ये जो पोलन सेक्स हैं इनके आउटर लेयर की फॉर्मेशन करती है जैसे कि टेफ्टम है एंडोथीशियम या फिर मिडल लेयर्स हैं ये क्या है एक पोलन ग्रेन किसकी है ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ एंथर है जो आउटर मोस्ट लेयर है जनरली वो क्या है एंडोथीशियम होती है यानी ये एक पोलन सेक्स की क्या है ट्रांसफर्स सेक्शन है आउटर लेयर क्या है एंडोथीशियम है उसके इनर क्या प्रेजेंट होते हैं जो मिडल लेयर्स हैं ये क्या है डिफरेंट मिडल लेयर्स और जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है टेप्टम और सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन या फिर जो स्पोर मदर सेल्स होती है जो कि स्पोर की पोलन की फॉर्मेशन करती है जो पोलन सेक होता है उस उसमें जनरली थ्री टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है एपिड्रमिस प्रेजेंट होती है जनरली उसे क्या बोलते हैं एंडोथीशियम या फिर फाइब्रस लेयर उसके बाद क्या होता है थ्री टू फोर मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती है और जो इनर लेयर होती है वो क्या है टेप्टम है और टेप्टम लेयर के अंदर क्या जन प्रेजेंट होता है फिर स्पोरोजेनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये क्या है स्टोमियम यानी टू पोलन सैक के बीच में जो आ, नोच लाइक या फिर ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं स्टोमियम ये क्या है वेस्कुलर बंडल इन द पोलन एंथर के अंदर क्या होता है ये वेस्कुलर बंडल्स ये क्या है एक्सन आउटर लेयर एपिडर्मिस फिर उसके नीचे क्या प्रेजेंट है एंडोथेसियम एंड ये क्या है पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन है और स्टोमियम से कि फिर क्या हो गया पोलन ग्रेन्स ki... की डाइसेंस हो गई ये क्या है पोलन सैक है यानी जो स्टोमियम होता है या ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है टू पोलन सेक के बीच में इससे क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स होती है उनकी डाइसेंस होती है दिस इज द डिवेलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम जो हाइपोडर्मल सेल्स प्रेजेंट थी कॉर्नर पे यानी एंथर के जो फोर कॉर्नर्स हैं पे जो लार्ज साइज सेल्स डेंस साइटोप्लाज्म सेल्स प्रेजेंट थी हाइपोडर्मल सेल्स उन हाइपोडर्मल सेल्स ने क्या पोलन सेक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन की जो आउटसाइड जो लेयर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस उसके इनर साइड में क्या प्रेजेंट थी जो सेल्स प्रेजेंट थी वो क्या थी अनडिफ्रेंशिएटेड पैरनकाइमेटिस टिश्यू सेल्स थी एंथर की यानी ये सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिड नहीं थी यानी कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी स्टार्टिंग में उसके बाद क्या हुआ जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई एंथर की तो ये जो सेल्स हैं उन्होंने क्या किया डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दिया यानी आर्किस्पोरियल सेल्स एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ दी सेल्स थी प्राइमरी पैराइटल सेल्स उनके अंदर क्या हो गया ये डिफ्रेंशिएटेड हो गई जो पेरनकाइमेटस सेल्स थी पेरनकाइमेटस टिश्यू की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी इन्होंने क्या किया डिफ्रेंशन शो किया और डिफ्रेंशिएशन शो करने के बाद जो है उन्होंने पैराइटल सेल्स एंड आर्किस्पोरियल सेल्स की फॉर्मेशन की यह जो आर्किस्पोरियल सेल्स है प्राइमरी पैराइटल सेल्स है इन्होंने क्या किया जो पैराइटल लेयर्स है उसमें क्या होगी डिफेंश हो गई यानी जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है वो थ्री टाइप की क्या होगी प्राइमरी पैराइटल सेल लेयर में डिफेंशिएटेड हो गई और ईच जो पैराइटल लेयर है इन्होंने क्या किया जो पोलेंस है की डिफरेंट वॉल्स होती हैं या लेयर्स होती है उसकी फॉर्मेशन की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है एंडोथीशियम या फाइब्रस लेयर फिर थ्री टू फोर क्या होती है मिडिल लेयर्स प्रेजेंट होती है उसके बाद इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है टेप्टम यानी ये जो ये के क्या आउटसाइड क्या प्रेजेंट है प्राइमरी पैराइटल लेयर्स प्रेजेंट है और इसकी इनर साइड में क्या प्रेजेंट है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ये स्पोरोजिनस सेल्स किस में मेटामोफोस होगी मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में यानी ये क्या है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स इनके आउटसाइड क्या प्रेजेंट है ये आउटसाइड क्या प्रेजेंट है प्राइमरी पेराइटल लेयर्स ये जो प्राइमरी पैराइटल लेयर्स हैं ये क्या करेगी जो आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर उसने तो क्या किया एंडोथीशियम की फॉर्मेशन की, की और ये एंडोथीशियम कहाँ प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होती है उसके बाद थ्री टू फोर मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती है और जो इनर पैराइटल लेयर होती है वो जो इनर लेयर होती है पोलन पोल से टेप्टम उसकी फॉर्मेशन करती है और टेप्टम के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती हैं या तो जनरली क्या होती है डायरेक्टली एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल वर्क करती है या फिर क्या होता है जो सेल्स है ये माइटोटिकली क्या करेगी डिवाइड करेगी और डिवाइड करने के बाद क्या होगी पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है ये क्या है टेप्टम यानी इनर जो लेयर है उसके साइड जो सेल्स प्रेजेंट थी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उन्होंने क्या किया पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन की ये क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से फिर क्या होगा फर्दर ये डिवाइड करके किसकी फॉर्मेशन करेगी पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेगी तो ये क्या है डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम